हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस OGPRT यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आप हमारे साथ नए हैं तो आप कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई रूपी क्या है, जानिए ई रूपी के बारे में और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आज इस वीडियो में हम कुछ वाक्य श्री नरेंद्र मोदी जी के भी सुनेंगे जो कि इन्होंने 2 अगस्त 2021 को लागू किया है ई रूपी पूरे भारतवर्ष में। तो आज इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त में बहुत सारी चीज़ ई रूपी के बारे में बताएंगे ताकि आपको सारी चीज़ व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाए। इसका कार्य क्या है, ये किस तरह की किस प्रणाली पे काम करता है और इसका काम करने का क्या तरीका है और आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। तो आज के इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो यह जानिए कि ई रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो कि सेम UPI जैसा है, बस फर्क इतना है इसमें कि यह प्रीपेड वाउचर सिस्टम है। तो अगर हम ई प्रीपेड वाउचर सिस्टम के बारे में जाने तो यह क्या है वो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप फोन पे, गूगल पे जैसे कई पेमेंट गेटवे सिस्टम यूज़ करते हैं, तो जब आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको वाउचर के रूप में एक वाउचर मिलता है जो कि कई बार कैशबैक के रूप में मिल जाता है या फिर कई बार किसी भी शॉपिंग साइट को लेकर उसमें वाउचर को अप्लाई करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि कई बार लेंस कार्ड के लिए, कई बार रमी के लिए, तो इसी तरह का वो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। मगर हम उसका कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉर द एग्जांपल अगर ये देखें कि अगर आप किसी चश्मे की दुकान पर जाते हैं और आपको चश्मा खरीदना है जिसका प्राइस है 1000 और आपको फ़ोन पे वाउचर मिला है कि अगर आप उस कंपनी का अगर आप चश्मा खरीदते हैं और इस कोड को लगाते हैं तो आपका 200 रुपये वहाँ पे सस्ता मिलेगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उस वाउचर कोड को आप लगा देते हैं और आपको वहाँ पे मात्र 800 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से प्रीपेड ई वाउचर सिस्टम चालू किया गया है ई रूपी में। तो अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो उसके लिए आपको वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। वाउचर का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बार कोड का रहेगा और SMS के द्वारा रहेगा। इसमें आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या कीपैड मोबाइल फ़ोन हो, दोनों में यह लागू होता है और यह दोनों के लिए कर्तव्य और काम करेगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे सिस्टम का यूज़ करना होगा। ई रूपी का मेन सिद्धांत यह है कि आपको ई प्रीपेड वाउचर के रूप में आपको सब्सिडी प्राप्त कराएगा। जैसे कि मान लीजिए कॉरपोरेट में, हेल्थ में, जैसे कि स्वास्थ्य में जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, प्रधानमंत्री योजना, श्रमिक योजना, ऐसे काफ़ी सारी योजनाएं चलती हैं जहां पे आपको प्रीपेड वाउचर वहां पे आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह से यह ई रूपी सिस्टम लागू किया गया है। अब इसके लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी सारे बैंक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे बैंक में आप सभी लोग का खाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस रुपये का इस्तेमाल करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप सारा बैंक का डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक इसमें जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए क्या संबोधित किया है ई गवर्नेंस को लेकर और ई रूपी को लेकर, तो चलिए देखते हैं। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन
उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से सरकार भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं था, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें देना भेजना चाहता है, अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। आर्थिक मदद देना चाहता है या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि ई रूपी किस तरह से काम करेगा, जो कि स्पेसिफिक अमाउंट अगर किसी चीज़ या किसी कार्य के लिए दिया गया है तो वह जो अमाउंट है उसी कार्य के लिए उपयोग होगा, अर्थात किसी भी तरह से अलग रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक नीति है जो कि पूरे भारत देश में लागू की गई है और आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह से आप हमारे साथ YouTube चैनल में बने रहें ताकि हम आपको देते रहें नए नए वीडियोस की अपडेट्स और बहुत सारी वीडियोस। तब तक दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।